तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जैसा कि नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं आई हूँ इतवारी, और यार यहाँ पे ना मेरे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा मंदिर दिखा है और बहुत ज़्यादा पुराना दिखा है। पता नहीं, अब मुझे यहाँ की कुछ भी जानकारी नहीं है, देखते हैं पहले जाके। अब मैं आपको दिखाती हूँ यार, इतना ज़्यादा एंशियंट है ना, क्या बताऊँ आपको। रुको तो देखो गाइस, कितना ज़्यादा पुराना लग रहा है ये। और शायद से ये राम मंदिर है, और यहीं पे शिव जी का मंदिर है जागृतेश्वर, वो मुझे पता था बट ये नहीं पता था। और यहाँ से एकदम पुराने मंदिर जैसे होते हैं ना, वैसे खुशबू आ रही है गाइस। अंदर जाके देखते हैं। ओ वाह, देखो, जय शिव शंभू, शिवलिंग है। बाप रे, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते गाइस। ये देखो, ये द्वारी की गलियां और ये प्यारा प्यारा सा मंदिर। ये देखो, शायद से किसी के घर का है, पहले का है शायद। अब यहाँ पे कैसे जाएंगे, ऐसे ही दूर से दर्शन कर लेते हैं गाइस। मैं तो शिव जी का मंदिर देखने आई थी जागृतेश्वर वाला, और यहाँ पे ये दिख गया। वाह, कितना प्यारा है यार ये। ये देखो सीढ़ियाँ, मैंने चप्पल कहाँ उतारी। ये देखो, वो देखो गाइस, कितना सुंदर है, कितना ऊपर है ये मंदिर, बहुत प्यारा। अब चलते हैं वो वाले मंदिर में, शायद से यही मंदिर है वो। कावड़ यात्रा यहाँ पे भी, कितना बड़ा मंदिर है ये, बाप रे। देखो, और बाहर देखोगे ना, इतनी ज्यादा भीड़ है। वाह, रुको देखते। तो गाइस देखो, ये है जागृतेश्वर देवस्थान, और बड़ा मंदिर है यार ये। जय श्री राम, जय हनुमान। यहाँ पे है हमारे हनुमान जी। ये हनुमान जी के दांत भी ये लगता। और यहाँ पे देखो कितने पिलर्स ही पिलर्स दिख रहे, बहुत पुराना है यार ये। सब कैमरा लेके घूमो तो लोग देखते रहते हैं। वाओ गाइस, एक ही मंदिर में कितने सारे मंदिर है पता नहीं। ओके, ये है मंदिर। बाप रे, कितना बड़े, कितने बड़े शिवलिंग है देखो। ये पुराना कितना है गाइस, ये देखो। वाह, तो गाइस आप सोच भी नहीं सकते हो, बाहर इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना, और ये मंदिर इतना बड़ा मंदिर है, इतना मतलब क्या ही बोले। और ऐसे मार्केट प्लेस पे इतना बड़ा मंदिर है ना, बहुत
बड़ी बात है गाइस, और वो भी इतना पुराना। अरे यार देखो मैं कंफ्यूज हो गई। मैं कंफ्यूज हो गई कि कहाँ से जाना है। रुको गाइस देखो, तो सारे मंदिर है यार, देखो कितना पुराना है। देखो विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर है, ये कितना पुराना है। मंदिर की कलाकारी देखो, जगह जगह पे सिर्फ मंदिर ही मंदिर है। वाह, जय माँ। विट्ठल रुक्मिणी काल भैरव, जय हो। और उधर भी देखोगे तो उधर भी मंदिर है, ये देखो कितना पुराना। वाह, पिलर्स ही पिलर्स, मैंने दिखाया था ना आपको वहां से कि पिलर्स ही पिलर्स है यहाँ पे। वाह, ये देखो ये है पूरा मंदिर, वो एक मंदिर, यहाँ पे भगवान जी, जय श्री गणेश, ये तो हनुमान जी है। जय श्री राम। गाइस मैं भटक गई, कहाँ से निकलूं, वहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है। कितने सारे मंदिर है यार। अयो दवा खाना, ये दत्त भगवान है। तो गाइस यहीं पे ये भी हैं श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर, और ये मंदिर इतना ज़्यादा इसलिए अट्रैक्ट किया मेरे को क्योंकि ये देखो पूरा कांच से है। बाप रे, देखो आप लोगों को समझ में आ रहा है ये कितना सुंदर डेकोरेट किया हुआ है। ये देखो गाइस, ये हर हर शंभु शिवलिंग, और ये पूरा मंदिर। वाव, देखो आप लोग गाइस कितना सुंदर बनाया हुआ है यार ये मंदिर, और इतना पुराने पुराने मंदिर है, बहुत सुंदर लगता है इसे देख के। जय हो, ये हनुमान जी है। तो गाइज आप लोग ज़रूर आओ यहाँ पे। मैं ये कंफ्यूज हो गई कि मैंने महादेव की शिवलिंग कहाँ देखी थी। ये देखो वाह, ये तो या तो गई नहीं मैं। जय हो। तो गाइस ये जो मंदिर है ना यहीं पे है शिवलिंग इतना बड़ा, और यही है मेन मंदिर जिसके नाम से है जागृतेश्वर महादेव हमारे नागपुर के। क्या कलाकारी, खैर ये तो न्यू होगा। तो गाइस जैसा कि मुझे वो अंकल ने बताया कि ये जो जागृतेश्वर शिव मंदिर है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी जो शिवलिंग है ना वो स्वयंभू है, मतलब 400 साल हो गए इस शिवलिंग को। और लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब अपने नागपुर में कुछ है नहीं। ये देखो 400 साल हो गए ये शिवलिंग जो है इतना बड़ा उसको।
और इतना बड़ा शिवलिंग है गाइज, वो आप लोग आके ज़रूर देखो और विजिट करो। बाकी मंदिर तो पूरा न्यू है, बट ये जो मंदिर है ना, ये वाला, ये जो है ये शिवलिंग, ये 400 साल पुराना है और वो भी स्वयंभू है। शायद देखो इसमें मैं दिख रही होगी सीसीटीवी में। बहुत प्यारा है। तो आप लोग सोचो कि 400 साल पुराना शिवलिंग है जो मैंने अभी आपको दिखाया, और वो अंकल बता रहे थे कि स्वयंभू शिवलिंग है वो। और बाकी मंदिर तो नहीं हुआ है क्योंकि प्रिजर्व करके तो रखना पड़ेगा ना, बट बाकी वो मंदिर पुराना है। तो आप लोगों को अगर आना है तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करो। मैं पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। देखो मैं तो ऐसे ही रैंडम आ गई थी क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था और मैं ये एरिया में ही थी, तो मैंने सोचा चलो दर्शन कर लेते हैं, क्या पता शिव जी का बुलावा था। तो मैं आ गई और बहुत प्यारा है गाइस, आप लोग भी आओ और यहाँ पे देखो और टूरिस्ट को भी लाओ कि इतने पुराने पुराने मंदिर हैं हमारे यहाँ पे। तो गाइस मैं कैसे आपको इतने सारे न्यू चीज़ें दिखाते रहती हूँ, आप देख सकते हो। ये देखो पूरा बाहर मार्केट एरिया है, पूरे बड़े बड़े झाड़ है। तो भाई यहीं पे ये मंदिर भी है, यहाँ पे गणपति बप्पा है, बड़े प्यारे दिख रहे हैं बप्पा भी। देखो भाई कितने क्यूट बप्पा है ये। यहीं पे थे ये, मैं निकल ही रही थी बाहर और ये बप्पा थे, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। गाइस देखो ना कितने क्यूट गणपति बप्पा है, मेरे को बड़े क्यूट लग रहे हैं। जब ये पूरे खुलते होंगे तो कितने प्यारे दिखते होंगे। जैसे आपको मैं माता रानी दिखाने वाली, इतनी सुंदर यार, आजू बाजू में इतने प्यारे प्यारे मंदिर हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखो ये इनके बब्बर शेर बैठे हुए हैं, ये है बब्बर शेर और ये माता रानी, यहीं के यहीं पे इतने माता रानी हैं। ये देखो इतनी सुंदर माता रानी, आंखें इतनी प्यारी दिख रही है, बाप रे, जय माता दी। ये देखो माता रानी, ये देखो इतनी प्यारी लग रही है शीशे से। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था ना आपको कि इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी यहाँ पे बाहर, और इतना बड़ा मंदिर से मैं आई हूँ, कितनी भीड़ है। तो देखो पूरा ट्रैफिक। तब तक के लिए गाइस आप लोग डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।